अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों? अभी ना शाम का वक्त हो चुका है और शुभाना ना ये लेकर आया ड्रिप। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रिप किसको लगानी है। तो हमारा एक जो बकरा था वो बीमार है थोड़ा सा, उसको हमने ये ड्रिप लगानी है क्योंकि उसको ना मोक, जिसे मोशंस कहते हैं, मोशंस लगे थे, उसकी वजह से पानी की कमी हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि इससे ना अब आप लगाएं, ये ड्रिप लगवा लें क्या, ताकि उसके पानी की कमी पूरी हो जाए। तो हम ना इसको लगाने के लिए आए हैं। तो ऐसे नहीं लगेगी ये, इसको लगाने के लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। पानी गर्म करके फिर उसके अंदर ये रख के ना थोड़ी सी इसको नीम गर्म करके फिर लगाते हैं। तो ये ना अभी शबान लेकर आया इसे हवेली से, और इसे नीम करने के और इसे नीम गर्म करने के लिए ना गीज़र से पानी लेना है। तो बाल्टी लेने गया, बाल्टी लेकर आ गया। अभी ये पानी निकालते हैं गीज़र से गर्म, फिर इसको ना इसके अंदर डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडा वाली कौन है? ओले उधर गर्म छड़ती है, जाजा थले रख लिया, पागल हो गया, सर गया तेरा। पूरी खोलना, क्या तमाशा है, पानी नहीं आ रहा मेरे को। पानी ख़त्म हुआ होगा ना अंदर से, इस वजह से कर रहा। अभी पानी गर्म आ रहा, धुआं भी निकल रहा है। तो गर्म पानी के अंदर इसको रख के थोड़ी देर के लिए फिर डिप करके, जब ये नीम गर्म हो जाएगी तो फिर इसको बकरे को लगानी है। करने के बाद इसको ना लेके जाते हैं अपने ज़ू में, वहाँ जाकर इसको ना लगाते हैं। डॉक्टर को देते हैं, वो खुद लगाएगा। तो वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं। तो दुआ कीजिएगा यार कि वो बकरा ठीक हो जाए, काफ़ी बीमार है बेचारा। उसको मोशन की वजह से ना काफ़ी कमज़ोरी हो गई है और खड़ा नहीं हो सकता बेचारा, और खाता पीता भी इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो और भी वीक होता ज़्यादा वीक हो गया। तो अभी इसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत है। लत तो लग गई ना, लत तो लग गई। डॉक्टर साहब उन्होंने लगा गए हैं बकरे को ड्रिप। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यार ठीक हो जाएगा। दुआ कीजिएगा कि ये ठीक हो जाए। तो ड्रिप वगैरह लग गई है इसे, क्योंकि इसके अंदर पानी की कमी हो गई है, उसकी वजह से इसे ड्रिप लगा दी है, और साथ में कुछ इंजेक्शन इसमें ऐड किए हैं।
इतना कमज़ोर है कि जब लेट जाए तो फिर इसे हिला भी नहीं जाता, इस वजह से अब लेटा रहेगा और ये ड्रिप 10-15 मिनट में इसको पूरी हो जाएगी। मक्खियाँ बैठनी है, मक्खियाँ बैठियाँ देखे, मक्खियाँ बैठनी है रख देते तो। यार अभी ना बकरी को ड्रिप वगैरह ख़त्म हो गई है और ये ना इसके ऊपर चादर दी है मोटी और इसकी ठंड ना लगे तो आगे से। बाकी ड्रिप ख़त्म हो गई है, डॉक्टर साहब भी चले गए हैं, यहाँ पर ड्रिप लगी थी वहाँ देखें थोड़ा सा सूजिश हो गई है और खून भी निकला है, तो अभी कुछ बेहतर लग रहा है आगे से। तो इसे बंद करते हैं जहाँ पर इसे बंद किया जाता है ना, तो वहाँ पर बंद कर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बकरी ठीक है, वो तो आपके सामने है ना। काफ़ी रात का वक्त हो चुका है और मैं आपको ना बकरे दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर तीनों जुड़ के बैठे हैं लेकिन उसके साथ नहीं बैठे बेचारे के, तो वो बीमार बेचारा अकेला बैठा है। तो आई होप इसे ना ठंड नहीं लग रही होगी और मुझे यकीन है कि ये ठीक हो गया होगा, तो अल्लाह करे ये ना तंदुरुस्त हो जाए और अल्लाह ताला इसे ना जल्दी से सेहत याबी दे दे। मैंने वैसे गर्म बल्ब जो 100 वाट का होता है वो लगाया जिससे यहाँ पर ना काफ़ी सुकून है, बाहर के मुकाबले में इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी आती है। तो यहाँ पर ये बैठे हुए बेचारे, अल्लाह ताला ना इसको यार बाहफाजत ठीक कर दे अल्लाह ताला। तो ये बाकी जानवरों को आगे भी ना हमने छापर लगाए थे पहले भी, तो ये वाला हिस्सा कवर नहीं होता, यहाँ पर छापर नहीं होते तो कपड़ा लगाया हुआ है, तो इधर काफ़ी सुकून है। यहाँ कबूतर बैठे हुए हैं अंदर, यहाँ से नज़र आएंगे, ये देखें ये बैठे हुए कबूतर। दोस्तों हमने अपने पैंथर को यहाँ पर बांधा होता है तो इसके लिए ना यहाँ ठंडा था ये पहले, नीचे इसको ठंड लगती थी तो मैंने पराली लाकर इसके नीचे रखी है ताकि इसे ना गर्माइश रहे। तो ये बड़े सुकून में है तब से, ये देखें अब कैसे मस्तियाँ कर रहा है। रात के वक्त चकोर हमारी दोस्तों यहाँ पर बैठती है और अक्सर ये ना ये ज़्यादातर यहीं बैठती है या फिर यहाँ पर होती है या इस मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन आजकल ये यहाँ पर बैठती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे बकरे को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमा दे। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह वीडियो की कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना बनाऊँ, तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।